Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to Swa Education, myself Radha. And today we are going to discuss about basic of entomology, which we already discussed. Today we are going to discuss about economic entomology as well as few important points regarding insect. And this lecture is mainly beneficial for the aspirant who are going to prepare for FCI and other FSSAI and State Food Safety Officer examination. So classification of phylum Arthropoda, हम लोगों ने previous lecture में ये देखा था कि phylum Arthropoda से most of the insect जो हैं इस phylum से belong करते हैं. So क्या क्या characteristics होते हैं इस phylum के? आर्थ्रोपोडा दो टर्म से मिलके बनता है. आर्थ्रो जिसका मतलब होता है जॉइंट, मींस फुट, यानी जिनके जॉइंट फुट होते हैं दैट इज आर्थ्रोपोडा. सो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के? उनकी बॉडी कैसी होगी? सेगमेंटेड होगी, जैसे हेड, थोरेक्स, एब्डोमिन. सो सेगमेंटेड बॉडी होगी. सेगमेंट ग्रुप इन टू टू और थ्री रीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं टैगमोसिस. काइटेनस एग्जोस्केलेटन होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगी. सिमेट्री आप लोगों ने देखा होगा, एक होता है रेडियल सिमेट्री, एक होता है बाइलेटरल सिमेट्री. बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको दो में डिवाइड करेंगे तो ये टू इक्वल हाफ में कट हो सकता है, दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री. बॉडी कैविटी फिल्ड विद ब्लड हीमोसील कैविटी, तो कौन सी कैविटी होगी? हीमोसील कैविटी होगी. ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल होगी विद माउथ एंड एनस. डोर्सल साइड में हार्ट प्रेजेंट होगा और डोर्सल साइड में ही ब्रेन प्रेजेंट होगा. नो सीलिया और पेयर्ड सेगमेंटेड अपेंडेजेस होंगे, पेयर्ड फॉर्म में होंगे. नेक्स्ट, फाइलम आर्थ्रोपोडा में टोटल सेवन क्लासेस आते हैं. पहला है ओनकोफोरा, क्रस्टेशिया, अरेकनीडा, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, ट्राइलोबिटा एंड हेक्सोपोडा, जिसमें से हेक्सोपोडा इंपॉर्टेंट हो जाता है. हेक्सोपोडा, क्रस्टेशिया एंड ओनकोफोरा, इनसे क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं. सो हेक्सोपोडा से इंसेक्ट्स बिलोंग करेंगे. ओनकोफायरा में पेरीपेटस, ये सारे इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जिसमें कि हम लोगों को मेन इंसेक्ट के बारे में देखना है. तो इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा के सेवन क्लासेस में से हेक्सोपोडा, जिसको इंसेक्टे क्लास बोलते हैं, इससे बिलोंग करेंगे. सो यहाँ पर आर्थ्रोपोडा फाइलम है, जिसमें सब फाइलम कौन कौन से होंगे? ट्राइलोबाइटा, कैलिसेरेटा, मैंडिबुलेटा. और हेक्सोपोडा किससे बिलोंग कर रहा है? हेक्सोपोडा बिलोंग कर रहा है मैंडिबुलेटा से. सो फाइलम आर्थ्रोपोडा, और उसमें भी हम लोग सब फाइलम के बारे में बात करें, सो सब फाइलम के अंदर मैंडिबुलेटा और उसमें भी हेक्सोपोडा क्लास से बिलोंग करते हैं इंसेक्ट. सो यहाँ पर ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के यहाँ पर दिखाए गए हैं कैलिसेरेटा, क्रस्टेशिया, हेक्सोपोडा क्लास, जिसके अंदर मेनली इंसेक्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट आता है मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है, यहाँ पर ये एग फॉर्म है, इससे जब ये एडल्ट फॉर्म में जा रहा है इंसेक्ट, तो उसके बॉडी में क्या क्या चेंज आते हैं, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. सो इसको बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस. सो मेटामॉर्फोसिस के अंदर जो फर्स्ट फेज यहाँ पर है दैट इज एग फेज, कुछ टाइम के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? लार्वा फॉर्म में, देन प्यूपा एंड देन फाइनली एडल्ट फॉर्म में. सो मेटामॉर्फोसिस में टोटल चार स्टेज हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर बता दिए, एग, देन लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट. इन ईच स्टेज ऑफ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एनिमल लुक डिफरेंट देन ऑल अदर स्टेज.
हर मेटामॉर्फोसिस स्टेज के कंप्लीट होने के बाद में जो एनिमल है हर अलग स्टेज में अलग दिखता है। जब एग था तो कुछ और था, लार्वा बनने के बाद कुछ अलग स्ट्रक्चर दिखेगा, प्यूपा में कुछ अलग होगा और एडल्ट में कुछ अलग होगा। सो बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। सो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बिगिन विद द इंसेक्ट हैचिंग फ्रॉम एन एग। एग से स्टार्ट होगी इंटू अ सॉफ्ट वॉर्म लाइक शेप कॉल्ड अ लार्वा। सो मेटामॉर्फोसिस इसको बोला जाता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जो कि एग से स्टार्ट हुई है, देन किसका फॉर्मेशन हुआ है, लार्वा का। लार्वा हैव अ वेरी बिग एपेटाइट। क्या होगा, एपेटाइट बड़ा होगा एंड कैन ईट सेवरल टाइम्स देयर ओन बॉडी वेट एवरी डे। यानी इनका जो कंजम्पशन इफिशियंसी होगा वो हाई होगा एज कंपेयर टू देयर बॉडी वेट। सो लार्वा हैज अ बिग एपेटाइट, इसलिए कंजम्पशन इफिशियंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉडी वेट। सम लार्वा एड मोर बॉडी सेगमेंट एज दे ग्रो। जैसे जैसे ये लार्वा ग्रो होता जाता है, ये लार्वा फॉर्म जैसे जैसे ग्रो होती जाती है, इनके बॉडी में जो सेगमेंट है वो भी बढ़ते चले जाते हैं। सो सम लार्वा एड मोर बॉडी सेगमेंट एज दे ग्रो। एट द एंड ऑफ लार्वल स्टेज इंसेक्ट विल मेक अ हार्ड शेल एंड इनसाइड इट विल बिकम अ प्यूपा। सो लार्वल स्टेज के कंप्लीट होने के बाद में ये एक हार्ड शेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं और इस स्टेज को क्या बोला जाता है, प्यूपा स्टेज बोला जाता है। सो एट द एंड ऑफ द लार्वल स्टेज इंसेक्ट विल मेक अ हार्ड शेल एंड इनसाइड इट विल बिकम अ प्यूपा। एट दिस स्टेज लार्वा विल स्टॉप ईटिंग एंड मूविंग। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा और कोई यहाँ पर वो फीड भी नहीं करेगा किसी चीज़ को। प्यूपा अपीयर लाइफलेस बट वन ऑफ द नेचर मोस्ट अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग इनसाइड द प्यूपा एंड द लार्वा बॉडी विल कम्प्लीटली चेंज इंटू अ फुल्ली ग्रोन अडल्ट। सो जब यहाँ पर प्यूपा का फॉर्मेशन होता है सो ये क्या करता है, एक हार्ड शेल का फॉर्मेशन कर लेता है और इस टाइम पर ना तो वो किसी चीज़ को फीड करेगा और ना ही मूव करेगा, तो मूवमेंट का प्रॉपर्टी भी इसमें नहीं देखने को मिलता। लेकिन इस टाइम पर क्या हो रहा होता है, मेटामॉर्फोसिस या ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसके अगले स्टेज में, उसके लिए प्रिपरेशन हो रही होती है। सो इनसाइड द प्यूपा जो लार्वा है वो क्या करता है, वो अपनी बॉडी को कम्प्लीटली डेवलप कर लेता है एंड चेंज इंटू अ फुल्ली ग्रोन एडल्ट। सो फर्स्ट यहाँ पर एग स्टेज है, देन यहाँ पर लार्वा स्टेज आती है। ये लार्वा इस हार्ड शेल के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होता है और इस टाइम पीरियड पर ये लार्वा अपने बॉडी में चेंजेस कर रहा होता है, मेटामॉर्फोसिस कर रहा होता है और इस स्टेज के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो डायरेक्टली एडल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी क्या होती है, एंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट की स्टडी करना। सो इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ एंटोमोलॉजी विच इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इंसेक्ट दैट बेनिफिट और हार्म ह्यूमन। सो इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन सा इंसेक्ट जो है वो बेनिफिशियल हो या फिर हार्म करता है ह्यूमन को, या डोमेस्टिक एनिमल एंड क्रो। इंसेक्ट दैट कॉज लॉस आर टर्म्ड एज पेस्ट। जो इंसेक्ट लॉस कॉज करते हैं या हार्म करते हैं उनको पेस्ट बोला जाएगा। सम स्पीसीज कैन कॉज इनडायरेक्ट डैमेज बाय स्प्रेडिंग डिसीज एंड दीज आर टर्म्ड एज वेक्टर। कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं इंसेक्ट के जो इनडायरेक्टली डैमेज करते हैं डिसीज को फैला के, सो इनको वेक्टर कहा जाता है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एज अ व्हीकल काम करता है जो कि एक चीज के ट्रैवलिंग में काम कराएगा एक जगह से दूसरी जगह तक। सो एज अ व्हीकल काम करता है वेक्टर, सो इनको वेक्टर भी बोला जाएगा जो कि डिसीज को स्प्रेड आउट करने का काम करते हैं, इनडायरेक्ट डैमेज कॉज करते हैं, और जो डायरेक्ट डैमेज करेंगे उनको पेस्ट बोल दिया जाता है।
दोज दैट आर बेनिफिशियल इंक्लूड दोज रेयर्ड फॉर फूड सच एज हनी सब्सटेंस सच एज लैक और पिगमेंट एंड फॉर देयर रोल इन पोलिनेटिंग क्रॉप एंड कंट्रोलिंग पेस्ट। और कुछ इंसेक्ट जो हैं वो बेनिफिशियल भी होते हैं, जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हम लोग हनी जो है वो प्रोड्यूस होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, पिगमेंटेशन में हेल्प करते हैं। सो कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं, उनकी स्टडी हम लोग इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी में करते हैं। और कौन कौन से हार्मफुल या फिर बेनिफिशियल होंगे उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.